क्या हाल है गाइस, 2019 जा चुका है और 2020 आ चुका है। तो सबसे पहले 2020 के लिए सबको शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि 2019 गया खूब घूमते घामते, वैसे 2020 जाए खूब मजे से घूमते घामते। नया साल, नई जगह, नए देश, नई कंट्रियों में घूमेंगे, खूब मजे करेंगे। लेकिन अभी हम 2020 की शुरुआत करने जा रहे हैं वियतनाम से, वियतनाम की ट्रेवल सीरीज से। जैसे कि आपको पता है, मैं किसी भी कंट्री जाता हूं तो वहां की वीजा के लिए एक वीडियो जरूर बनाता हूं कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वहां के वीजा को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। कुछ कंट्रियों में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है और कुछ कंट्रियों में हमें जाने के लिए किसी भी वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में हमें जाने के लिए किसी भी वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप जाओगे पासपोर्ट लेके, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगेगा, आप एंट्री कर जाओगे। लेकिन सिंगापुर में हमें जरूरत वीजा की पड़ती है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लो वो सारी वीडियो। उससे मेरे को हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊंगा। अब मैं वापस आता हूँ वियतनाम में। तो वियतनाम जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है और वीजा हमें वहां का मिल जाता है ऑन अराइवल। तो ऑन अराइवल वीजा लेने के लिए हमें एक अप्रूवल लेटर भी चाहिए होता है। वो अप्रूवल लेटर हमें यहीं से अप्लाई करके जाना पड़ता है, या फिर अगर आप किसी और कंट्री में हो तो वहां से एक अप्रूवल लेटर अप्लाई करना पड़ता है। और अप्रूवल लेटर देने के लिए कुछ साइडें हैं, वो सारी साइड मैं आपको दिखा दूंगा। आप जिस मर्जी साइड से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी स्कैम साइड है, लेकिन मैं जो दिखाऊंगा उनसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने जिससे अप्लाई किया था मैं वो भी दिखा दूंगा। वहां से सबसे सस्ता वीजा आपको, सॉरी, अप्रूवल लेटर मिल जाता है। तो आप अप्रूवल लेटर लेके वियतनाम जाओगे वीजा काउंटर पे, आपको वहां से एक वीजा मिल जाएगा, स्टैंप लग के सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दे दूंगा, आगे कितनी फीस चाहिए होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, आपको पता ही है इंस्टाग्राम, ट्विटर है, यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, जहां मर्जी पूछ लो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होगे, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मिस्टर पाठक ट्रैवल। अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो वियतनाम वीजा ऑन अराइवल के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपको अप्रूवल लेटर, और अप्रूवल लेटर आपको यहीं से अप्लाई करके जाना पड़ता है। तो जब आप अप्रूवल लेटर लेके वहां जाओगे तभी वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। तो अप्रूवल लेटर आप कहां कहां से अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो वियतनाम गवर्नमेंट की खुद की साइट है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो ऊपर, vietnamvisa.govt.vn। तो ये GOVT गवर्नमेंट साइट होती है, तो आप यहां से भी अप्रूवल लेटर अप्लाई कर सकते हो। तो जो अप्रूवल लेटर है, यहां पर जो प्राइस है इसकी $17 की है। वैसे वियतनाम का जो वीज़ा बनता है वो दो तरह का बनता है, एक महीने के लिए या तीन महीने के लिए। उसमें भी सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, मतलब सिंगल एंट्री में तो आप महीने में एक ही बार जा सकते हो, फिर वहां से एक बार वापस आ जाओगे, ये हो गया सिंगल एंट्री। और अगर मल्टीपल एंट्री है तो मतलब कितनी भी बार जाओ एक महीने के अंदर अंदर और कितनी भी बार आओ, अगर आपने एक महीने का बनवा रखा है, यही तीन महीने में हो जाएगा। तो जो $17 जो फीस है इनकी, वो अप्रूवल लेटर की फीस है, और $25 जो फीस है वो वीजा की फीस है। जब आप यहाँ से अप्रूवल लेटर लेके जाओगे और वहाँ पे अप्रूवल लेटर दिखाओगे तो एक स्टैंप लगेगी, जिसके लिए आपको $25 वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये दो तरह की फीस है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आओगे, कितने बंदों के लिए वीजा चाहिए, एक बंदे के लिए चाहिए, ठीक है, कितना वन मंथ या थ्री मंथ, मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री रखो यार, एक बार चले गए तो एक महीने में काफ़ी घूम लोगे, बार बार तो आओगे जाओगे नहीं, तो यही ठीक है, वन मंथ सिंगल एंट्री। तो कितने दिनों में चाहिए, नॉर्मल वर्किंग 2 डेज, 1 वर्किंग डे, या सुपर अर्जेंट 4 घंटे के अंदर ये बना के दे देते हैं, तो ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जब अप्लाई नाउ करोगे, तो अप्लाई नाउ करने के लिए फिर अपना कस्टमर का नाम, जो आपका पासपोर्ट में वो कस्टमर नाम, डेट ऑफ अराइवल, अराइवल एयरपोर्ट जहाँ पे आप जाओगे, हनोई जाओगे, हो ची मिन्ह जाओगे, नादांग या दानांग जाओगे, फीमेल, कंफर्म ईमेल, फ़ोन नंबर। तो ये करते ही आपको, और यहाँ पे अपना पासपोर्ट में जो नाम है, ठीक है, वो, और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भर दोगे और नेक्स्ट स्टेप कर दोगे। फिर क्या होगा, देखो, रिव्यू और पेमेंट वहाँ पे जाके आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की साइड हो गई यहाँ से। अब बात कर लेते हैं दूसरी साइडों की। तो दूसरी साइडों में सबसे पहले तो एक ये साइड है और एक ये साइड है, दोनों का नाम लगभग सेम है, chipvietnamvisa.net और vietnamvisa.cheap.net। मैंने जो अप्लाई करा था वो यहाँ से करा था, chipvietnamvisa.net से, और ये भी सेम ही है, vietnamvisa.cheap.net। तो आप जिस मर्जी से अप्लाई कर सकते हो। रेट देखो, अब मैं रेट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो सर्विस फीस क्या है, ठीक है, स्टैंपिंग फीस हो गई, यानी कि वीज़ा फीस। सर्विस फीस,
यानी कि आप जो यहाँ से अप्रूवल लेटर अप्लाई करोगे उसके लिए सिर्फ $6 ले रहे हैं, और ये भी यहाँ पे सिर्फ $6 ले रहे हैं सिंगल एंट्री के लिए। आप देख रहे होगे ये रहा ना $6, ठीक है, ये रहा $6, और यहाँ पे कितनी फीस है $17। अगर आपने देखी होगी तो बैक करूँ, अगर मैं बैक करूँ तो $17, ठीक है, तो इतना बड़ा अंतर आ गया, $11 का अंतर है। तो आप इन दोनों में से किसी भी साइड से अप्लाई कर दो। अब ये जो आता है आपके पास अप्रूवल लेटर, वो आता है सीधा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से और दोनों फेक साइड है, नहीं है कोई भी स्कैम नहीं है इसमें, ये बिल्कुल जेनुअन साइड है ये दोनों, और ये गवर्नमेंट की जेनुअन साइड है, ठीक है। तो ये तीनों जेनुअन साइड हैं, आप जहाँ मर्जी से अप्लाई कर लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सस्ता है $6 में, तो आप यहाँ से अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है। जब आप यहाँ पे जाओगे अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करके जब आप फॉर्म भरोगे, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ग्रुप ऑफ पर्सन 1, टाइप ऑफ वीज़ा 1 मंथ, सिंगल एंट्री, प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल 2 वर्किंग डेज ही रखो, क्योंकि ज़्यादा कम टाइम रखोगे तो उतना ही पैसा ये एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, जितना जो 2 वर्किंग डेज में है तो प्राइवेट वीज़ा ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप करोगे, यहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भर मारो, ठीक है, जो भी आपका पासपोर्ट में नाम है उसके हिसाब से नाम वगैरह भरना, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, पासपोर्ट के हिसाब से यहाँ नाम भर दिया, मान लो मैंने विवेक भर दिया अपना, ठीक है, जेंडर चूज कर लिया मेल, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है, January 1, 1 क्या कहते हैं 1940 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है, इंडियन इंडियन इंडिया, ठीक है, पासपोर्ट नंबर कुछ भी रख दो, ठीक है, प्राइमरी ईमेल कुछ भी कर दो, अल्टरनेट ईमेल कुछ भी कर दो, डेट ऑफ अराइवल जब जा रहे हो ये, फ्लाइट रेफरेंस जो भी आपने फ़्लाइट टिकट बुक करी होगी, फ़्लाइट टिकट ज़रूर बुक कर लेना इससे पहले, ठीक है। ये हो गया सारी चीज़ें, यही सेम चीज़ें आप इसमें भरोगे। इसको करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का एक मेल आएगा कि आपका अमाउंट रिसीव हो गया है। उसके बाद जब मेल आ जाएगा, उसके बाद ये 2 दिन के अंदर, वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 3-4 दिन, 2 दिन के अंदर मैक्सिमम दे ही देते हैं आपका जो है अप्रूवल लेटर। तो बेटर है यार, 2 दिन पहले बुक कर लोगे तो ज़्यादा कौन सा इमरजेंसी इतनी ज़्यादा आ रही है, तो किसी भी साइड से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद भी अगर इनमें से भी किसी से दिक्कत आ रही है तो सीधा आपकी मेक माई ट्रिप है यार, मेक माई ट्रिप से बुक करो, आपको सारी गाइड वो घर पे आके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेक माई ट्रिप से भी वीज़ा बुक कर सकते हो वियतनाम का। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पहुँचने पर, तो आपको क्या क्या चाहिए मैं वो बता देता हूँ। एक तो ये आप 4x6 सेंटीमीटर के 2 फोटो लेके जाओगे वहाँ पर, 2 फोटोग्राफ 4 सेंटीमीटर x 6 सेंटीमीटर के, जिसमें कि मेरे से तो 1 फोटोग्राफ मांगा था, हो सकता है आपसे 2 मांग लें, एक में प्रॉब्लम हो दूसरा ले लें, तो 2 या 3 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेके ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा ये रहा प्रिंटेड अप्रूवल लेटर, यानी कि उसका प्रिंट निकलवा के जाना, ये फोटोज़ हो गए, गवर्नमेंट स्टैम्पिंग फी अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट एंड एनी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और आपकी जो है होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बैंक की जो है डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी 3-4 चीज़ें हो जाएंगी। वैसे बैंक का कुछ देखते नहीं है, पैसे का भी इतना कुछ खास पूछते नहीं है, लेकिन पूछ भी सकते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट अपने साथ लेके जाना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्री अप्रूवल लेटर प्रिंट और $25 खुले आप पहले से तैयार रखना कि आप वहाँ आराम से दे सको, क्योंकि $25 से ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे तो फिर उन पर शायद कभी कभी खुले नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जब वियतनाम पहुंच जाओगे तो वीज़ा के लिए आप वहाँ पे एक फॉर्म भरोगे, जो कि बड़े आसान होता है, जो आपके पासपोर्ट में इन्फॉर्मेशन होती है वही आपको भरनी होती है, इसके अलावा वहाँ और कुछ ऐसा खास भरना नहीं होता, ठीक है। तो आराम से आप वो फॉर्म भर के सबमिट कराना, वेट करना अपनी बारी का, आपकी बारी आएगी, आपको वीज़ा जो है मिल जाएगा स्टैम्प के साथ, $25 खुले रखना उन्हें देने के लिए ये। लेकिन प्री अप्रूवल लेटर जरूर लेके जाना, प्री अप्रूवल लेटर में जब ये भेजेंगे तो कई लोगों का नाम भी एक साथ भेज देते हैं, उसमें अपना नाम देख लेना, उसका प्रिंट निकलवाना, प्रिंट निकलवा के वहाँ लेके चले जाना, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो पूछ लेना, वैसे बहुत आसान है वियतनाम का अप्रूवल लेटर मिलना और वीज़ा मिलना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो बड़ा आसान है। आप जाओ वियतनाम घूमो, वियतनाम में बड़ा अच्छा ऑप्शन है घूमने के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। बाय बाय।